हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th. साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स. कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062. श्री नैना देवी जी तहसील के अंतर्गत गांव मजारी में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर के अंतर्गत अनाज मंडी का उद्घाटन ग्रामीण विकास पंचायती राज्य कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के करकमलों द्वारा किया गया. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं नैना देवी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी उपस्थित रहे. मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार की इस मंडी खुलने से चंगर क्षेत्र की 9 पंचायतों के किसान लाभान्वित होंगे. 1,85,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली अनाज मंडी का कार्य 1 साल के अंतर्गत पूरा हुआ. इस अनाज मंडी की आधारशिला शिमला से कोरोना समय में मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त 2020 को 5 बीघे 23 बिश्वे की जमीन के लिए रखी थी तथा अब यह अनाज मंडी बनकर तैयार हो गई है. उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के किसानों को अब अपने अनाज को बेचने के लिए आनंदपुर साहिब पंजाब में या अन्य मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा तथा अब सरकार को उचित दाम पर किसान अपना अनाज इन मंडियों में दे सकते हैं तथा सरकार इसका दाम निर्धारित तय करेगी. उस दाम के तहत वह अपने अनाज को इन मंडियों तक पहुँचा सकते हैं. इस दौरान उन्होंने मजारी खड्ड की सफाई के लिए 5,00,000, मजारी से थल्लू सड़क के लिए 11,00,000, मजारी खड्ड के तटीकरण के लिए 50,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की. उन्होंने मजारी में पशु औषधालय को स्थानांतरित करने के लिए मामला कैबिनेट में ले जाने का आश्वासन भी दिया. जबकि इस मौके पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि मजारी क्षेत्र के लोगों की काफ़ी समय से मांग थी मजारी में अनाज मंडी खोलने की, जो आज पूरी हुई है. इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से रखी थी और 1 साल के से भी कम समय में यह अनाज मंडी बनकर तैयार हुई है. क्षेत्र और आसपास की कई पंचायतों को इससे लाभ प्राप्त होगा. मैं बधाई देता हूँ किसानों को कि बड़े समय के अंदर 1 साल के अंतराल में ही ये अनाज मंडी बनकर तैयार हुई है. 1,10,00,000 रुपये हुआ है और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों में एक बड़ा उत्साह है किसानों के अंदर. जो उन्हें लगता था कि हम अनाज पंजाब हमारा अनाज नहीं ले रहा है, हम MSP के ऊपर अनाज बेचना चाहते हैं, आज ये सुविधा जो है वो प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी है. और एक बड़ा टारगेट भी हमने रखा है कि जो 4 अनाज मंडियाँ बन रही हैं, लेकिन अभी जो 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हम प्रदेश के अंदर बनाए हैं, हम 6,00,000 क्विंटल से ज़्यादा अनाज खरीदेंगे, जिसे सीधे तौर पर जो अगर हम टारगेट पूरा करते हैं तो 20 करोड़ सीधा किसानों के खाते में. सर, यहाँ पर अनाज मंडी खुली है तो साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वो लोगों के घर भी है, कहीं से कहीं प्रदूषण की समस्या. अनाज मंडी से कभी प्रदूषण नहीं होता है, घरों में भी अनाज होता है. ऐसा कुछ नहीं, हम सब किसान हैं, गाँव में रहने वाले लोग, लेकिन वो थोड़ा बहुत कहीं होगा. हिमाचल प्लस न्यूज के लिए श्री नैना देवी जी से भरत गौतम की रिपोर्ट.